हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। विधिक शिक्षा के सेगमेंट में एक बार फिर हम साथ हैं और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कानून के एक महत्वपूर्ण प्रावधान पर, समन और वारंट। तो ये दो शब्दावलियां हैं जिनके बारे में लोग जानना चाहते हैं कि वारंट क्या होता है और समन क्या होता है। तो इंग्लिश में जो वर्ड हमारे पास है वो है SUMMONS, समन्स। हिंदी में समन लिखा हुआ आपको मिलता है। तो ये समन्स जो है ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है, पहली बात तो ये है। समन SUMMON जो वर्ड है ये अंग्रेजी ग्रामर के अंतर्गत वर्ब का एक पार्ट है। इट इज अ काइंड ऑफ वर्ब विच मीन्स टू कॉल समवन, किसी को बुलाना। जैसे अगर मैं कहूँ कि यस्टरडे आई कॉल्ड यू, व्हाई डिड नॉट यू कम, इसको मैं समन के साथ ऐसे कहूंगा, यस्टरडे आई समन्ड यू, व्हाई डिड नॉट यू कम, मैंने कल आपको बुलाया था। तो समन शब्द का मतलब है एक बुलावा पत्र। बड़ा आसान सा शब्द है, लेकिन कई बार अगर कहा जाता है कि कोर्ट से समन आया है तो लोगों के चेहरे की हवाइयां उड़ जाती हैं, धड़कन जो है सीने से निकलकर गले में धड़कने लगती है, क्योंकि पता नहीं क्या हो गया और कौन सी बात के लिए समन आ गया है। तो समन है केवल बुलावा पत्र, और ये कोर्ट जारी कर सकता है, ये कई बार पुलिस अधिकारी भी जारी कर सकते हैं, कई बार आयोग भी समन जारी करते हैं। समन का मतलब है बुलावा पत्र, किसी को बुलाया जाता है किसी मामले के बारे में कुछ पूछताछ करने के लिए। ये अभियुक्त के खिलाफ जारी हो सकता है, अक्यूज्ड के लिए, और ये जारी हो सकता है किसी साक्षी के लिए, किसी डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करने के लिए, दस्तावेज को लाने के लिए भी समन जारी किया जा सकता है। तो सेक्शन 61 से लेकर 69 CRPC में समन्स के बारे में प्रावधान है। रिपीट कर देता हूं, अध्याय 6 है, चैप्टर 6 है, जिसका शीर्षक है न्यायालय की आदेशिकाएं, प्रोसेसेस ऑफ कोर्ट्स। और इसमें पहला जो पार्ट है वो है समन्स के बारे में, धारा 61 से लेकर धारा 69 तक। अब ये इंपॉर्टेंट बात ये है कि समन्स ये प्लूरल में क्यों होता है, तो आपको ये भी बता दूं कि समन्स हमेशा दो कॉपी में होंगे, अकेली समन एक कॉपी में नहीं होता। तो क्योंकि ये डुप्लीकेट में होते हैं, दो कॉपीज में होते हैं, इसीलिए इनको कभी भी सिंगल वर्ड में यूज नहीं किया जाता, समन्स कहा जाता है। ये समन्स कौन जारी करता है, किसको तामीली की जाती है, सर्विस कैसे की जाएगी, इसके बारे में CRPC के चैप्टर 6 में सेक्शन 61 से लेकर 69 तक प्रावधान है। आइए बहुत संक्षेप में देखते हैं ये प्रावधान क्या है इन स्लाइड्स में। सेक्शन 61 प्रोवाइड्स फॉर्म ऑफ समन्स, समन का प्रारूप कैसा होगा। This section says that every summons issued by a court under this code shall be in writing in duplicate signed by the presiding officer of such court or by such other officer as the High Court may from time to time by rule direct and shall bear the seal of the court. धारा 61 प्रावधानित करती है समन के प्रारूप के बारे में। इस धारा के अनुसार न्यायालय इस संहिता के अधीन जारी किए गए प्रत्येक समन लिखित रूप में होंगे और दो प्रतियों में होंगे, और उसमें उस न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा या ऐसे अधिकारी द्वारा जिसे उच्च न्यायालय समय समय पर निर्दिष्ट करेगा हस्ताक्षरित होगा, और उस न्यायालय की सील या मुद्रा भी उस पर लगी हुई होगी। तो धारा 61 में समन का प्रारूप है कैसा होगा, तो कोर्ट जारी करेगा समन, उसमें सील लगा होगा, उसमें साइन लगा होगा, और एक डेट होती है कि इतने तारीख को इतने बजे इस जगह पर आपको आना है। तो आपने समझा समन क्या है। समन है बुलावा पत्र, किसको जारी कर सकते हैं, मैंने बताया अभियुक्त को, अक्यूज के नाम पर, विटनेस को, साक्षी के नाम पर, ऐसे व्यक्ति को जिसके पास कोई डॉक्यूमेंट है, कोई चीज है, कोई दस्तावेज है, कोई वस्तु है, उसको कोर्ट में मंगवाने के लिए भी समन जारी हो सकता है। समझते हैं वारंट क्या है। तो वारंट भी अंग्रेजी भाषा का शब्द है, WARRANT, वारंट। और वारंट का मतलब होता है अधिकार पत्र। न्यायालय किसी को अधिकार देती है कि आप किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करके लाइए। तो न्यायालय किसी पुलिस अधिकारी को या किसी अन्य अधिकारी को भी ये अधिकार दे सकती है कि आप किसी को गिरफ्तार करके लाइए। जहां समन दो कॉपियों में होता है, वारंट एक ही कॉपी में होता है। समन उस व्यक्ति के नाम पर जारी किया जाता है जिसको कि कोर्ट में बुलाना है, जबकि वारंट उस व्यक्ति के नाम पर जारी किया जाता है जिसको अधिकृत किया गया है किसी को गिरफ्तार कर लाने के लिए। तो ये वारंट भी अभियुक्त के खिलाफ जारी किया जा सकता है, ये वारंट साक्षी विटनेस के खिलाफ जारी किया जा सकता है, ये वारंट किसी डॉक्यूमेंट को कोर्ट में लाने के लिए जारी किया जा सकता है, ये वारंट तलाशी के लिए जारी किया जा सकता है, जिसे हम कहते हैं सर्च वारंट, तलाशी का वारंट। तो ये वारंट का प्रावधान सेक्शन 70 से लेकर के 81 तक CRPC में दिया गया है, चैप्टर 6 के अंतर्गत ये भी आता है। तो आइए देखते हैं सेक्शन 70 में वारंट के बारे में क्या बात कही गई है। सेक्शन 70 रीड्स एज Form of warrant of arrest and duration. Every warrant of arrest issued by a court under this code shall be in writing, signed by the presiding officer of such court, and shall bear the seal of the court.
Subsection 2 says that every such warrant shall remain in force until it is cancelled by the court which issued it or until it is executed. धारा 70 की उपधारा 2 कहती है कि ऐसा प्रत्येक वारंट तब तक प्रवर्तन में रहेगा जब तक वह उसे जारी करने वाले न्यायालय द्वारा रद्द नहीं किया जाता है या जब तक वह निष्पादित नहीं कर दिया जाता है। तो सेक्शन 70 को पढ़ने पर एक बात और पता चलती है कि समन और वारंट में क्या डिफरेंस है। समन जहां एक निर्धारित तारीख तक ही लागू रहती है, प्रवर्तन में रहती है, वहीं वारंट तब तक लागू रहता है जब तक उसको एग्जीक्यूट नहीं कर दिया जाता। जैसे समन में यदि लिखा है कि अगले महीने की 5 तारीख को आपको कोर्ट में आना है, तो 5 तारीख के बाद वो समन अपने आप रद्द हो जाएगा। लेकिन यदि वारंट में ये लिखा है कि फलां व्यक्ति को गिरफ्तार करके लाना है, तो वो तब तक जारी रहेगा जब तक कि कोर्ट जिसने उसको इशू किया है कैंसिल नहीं कर देता या उस व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर लिया जाता। मतलब वो 2 साल, 5 साल, 8 साल, 10 साल, 20 साल, कितने भी साल तक प्रवर्तन में रहेगा, जब तक कि उसे जारी करने वाले न्यायालय के सामने उस व्यक्ति को गिरफ्तार करके, अरेस्ट करके प्रस्तुत नहीं कर दिया जाता या जब तक कि न्यायालय स्वयं उसे कैंसिल रद्द नहीं कर देती है। तो ये था समन और वारंट में अंतर। मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रावधान, ये बातें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। हमारा प्रयास है कि कानूनी प्रावधानों को आप तक बहुत सरलतम रूप में पहुंचाएं इस चैनल के माध्यम से। अगर आपको ये लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो थम्स अप करिए। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिना देरी किए सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकॉन क्लिक कर लीजिए ताकि आपको अपडेट मिलते रहें। बहुत महत्वपूर्ण हैं आपके कमेंट्स, आपके संदेश। अगर आप कुछ भी और जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आकर मुझसे जुड़िए। अदरवाइज आप ये भी बताने के लिए कमेंट बॉक्स में आ सकते हैं कि लेक्चर्स आपको कैसे लग रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ इसी चैनल पर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस टाइम।